हिमंता बिस्व शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। बेटे राहुल गांधी को बढ़ाने में लगी सोनिया गांधी। बीजेपी के लिए वरदान है राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर जमकर भड़ास निकाली है। आजाद के इस्तीफे ने विरोधियों को भी कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आजाद के इस्तीफे के बहाने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैंने 7 साल पहले ही कह दिया था कि एक दिन कांग्रेस में सिर्फ गांधी ही रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और साल 2015 में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र में आपको काफी समानताएं मिलेंगी। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं और सोनिया गांधी पार्टी की देखभाल नहीं कर पा रही हैं। वो केवल अपने बेटे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक नाकाम कोशिश है। असम सीएम ने कहा कि यही वो वजह है कि पार्टी के प्रति वफादार लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मैंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के लिए एक समय आएगा जब केवल गांधी ही पार्टी में रहेंगे और ये हो रहा है। राहुल गांधी वास्तव में भाजपा के लिए वरदान है। If you read the Gulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress president or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son, but that is a futile attempt. As a result, what happened? The people who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. I think these are natural process, and in 2015 I have predicted that in Congress party, some time will come, only Gandhis will remain, all other will desert. Rahul Gandhi, BJP ke liye ek vardaan hai. Isliye Rahul Gandhi ka saath, jab Bharat ka log compare karta hai, BJP ka leaders log miles ahead ho jata hai. To isliye wo to BJP ke liye suit karta hai. बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे, लेकिन 2015 में उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मतभेद के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। उस समय हिमंता शर्मा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पिछले कुछ समय में कद्दावर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इनमें कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं।